कोविड-19 के कारण 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस बार ईद उल फितर की नमाज नाहन की ईदगाह में पढ़ी गई। ईद की नमाज कच्चा टैंक स्थित जामा मस्जिद के मौलवी अब्दुल रऊफ ने अदा करवाई। इस दौरान मुल्क की अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए रमज़ान का महीना पवित्र महीना माना जाता है। इसके बाद आने वाली ईद उल फितर के नाम से मनाई जाती है। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक रूप से ईद की नमाज़ अदा करते हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए मौलाना अब्दुल रऊफ ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश और प्रशासन को सहयोग करते हुए ईद की नमाज़ अपने घरों से ही अदा की थी, परंतु लंबे अंतराल के बाद बंदिशें हटने के बाद इस बार ईद उल फितर की नमाज़ सामूहिक रूप से पढ़ी गई है और मुल्क की अमन शांति के लिए दुआ मांगी गई है। रहमान रहीम, सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ईद का दिन है, ख़ुशी का दिन है। इस ईद के दिन हम सब बहुत खुश हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह ईद का दिन हमें नसीब फरमाया है। पिछले 2 सालों में ईद की नमाज़ नहीं हो सकी, लेकिन 2 साल के बाद आज फिर वो ख़ुशी जो हमें ईद में मिलती थी वो नसीब हुई है। हम इस पर खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ईद ऐसे ही हमेशा आती रहेगी। हम एक दूसरे को गले लगाते रहेंगे, खुशियां बांटते रहेंगे। और इस मुबारक मौके पर हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस ईद को ज़िंदगी में बार बार लाए और हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खुशहाली, तरक्की, अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत, एक दूसरे की हमदर्दी अल्लाह तबारक व ताला नसीब फरमाए।